हेलो, नमस्कार बच्चों। बजरंग स्टडीज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूँ ब्रजेश चौधरी। हमने 1.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट किया था। रिलेशन एंड फंक्शन की हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है, 1.2 हम क्लियर कर चुके थे और आज हम पढ़ेंगे 1.3। जो एक्सरसाइज है वो है हमारी 1.3, ठीक है। अब देखो, इसका जो टॉपिक है हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है ये, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं हम। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी संक्रिया, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। ऑपरेशन आपने 1 से लेकर के 11 तक आप करते हुए आए हो, ठीक है। क्या होता है ऑपरेशन का मतलब, होता है संक्रिया। आपने प्लस माइनस और डिवीजन डिवीजन और मल्टीप्लाई, इस जो आपके होते हैं इनको बोलते हैं हम ऑपरेशन। प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, इन सभी को क्या बोलते हैं हम ऑपरेशन, ठीक है। हम करते भी आए हैं छोटी क्लासों में, ठीक है। अब मतलब क्या निकला, बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। 2 + 3 + 5, एक लेता हूँ यहाँ पर, 2 × 3 × 5। तो अब नहीं, ये नॉर्मल सा किया हुआ है कि 2, 3, 5 इनको हमने ऐड किया तो कितना हो गया हमारा, 10 हो गया, है ना। इनको ऐड किया, इसको मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 30। तो हमने एक साथ तीनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम तीनों को एक साथ ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तीनों को ऐड क्यों नहीं कर सकते, तीनों का मल्टीप्लाई एक साथ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऐड करना है, पहले 2 को ऐड करना पड़ेगा, 5 को ऐड करना पड़ेगा 3 में, 8, और फिर जब आंसर आएगा फिर उसको 2 से ऐड करना है, ठीक है। एक साथ कभी भी तीन संख्याओं का हम एडिशन नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब है कि आपने पहले क्या काम किया, दो इंटीजर्स जो हैं उनको आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। दो संख्या जो है आपकी उनको आपने सेलेक्ट किया, तो दो संख्याओं को आपने क्या किया, उनका सिलेक्शन किया। आधार क्या माना, बेस क्या माना, दो संख्याओं को माना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन, द्वि आधार। क्योंकि किसी भी एडिशन करने में, डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, हम दो ही संख्याओं को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और जब दो संख्याओं को हम सिलेक्शन करेंगे तो इसी कारण इनको क्या बोला जाएगा, बाइनरी। और इनके बीच में कोई ना कोई काम तो होगा, या एडिशन का होगा, सब्ट्रैक्ट का होगा, मल्टीप्लाई का होगा, डिवीजन का होगा, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, बाइनरी ऑपरेशन। कि हमें, हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम दो संख्याओं का सिलेक्शन करते हैं, हम तो ये जानते हैं, और दो संख्याओं का सिलेक्शन करना ही क्या कहलाएगा, बाइनरी। क्या कहलाएगा, बाइनरी। अब उसका क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सा ऑपरेशन लगाना है, प्लस का लगाना है, डिवाइड का लगाना है, मल्टीप्लाई का लगाना है, सब्ट्रैक्ट का लगाना है, वो आप समझ, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, नोट करते हैं, वो किससे करते हैं, स्टार से, या पॉजिटिव का साइन लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इससे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या हम ओ से भी कर सकते हैं, या हम ओ से भी कर सकते हैं, या हम पॉजिटिव और इस तरीके से हम इस पर करेंगे, या हम स्टार से करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली आप क्या करें, स्टार से उसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन का मतलब आपको पता ही, चारों जो साइन है आपके क्या काम करेंगे, ऑपरेशन का ही काम करेंगे, ठीक है, कोई ना कोई संक्रिया ही करेंगे। और बाइनरी का मतलब, जब दो संख्याओं का सिलेक्शन किया जाएगा तो उनका जो आधार है वो दो संख्याओं को मान करके काम किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, बाइनरी ऑपरेशन। क्या बोला जा रहा है, बाइनरी ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन में
जैसे यहाँ पर बात करते हैं, जैसे हम नेचुरल नंबर, ठीक है, तो पहले हम संख्या को देख लेते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होती क्या है? आपकी वन से लेकर के 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये क्या होंगे आपकी नेचुरल नंबर, ठीक है। होल नंबर, नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से करेंगे, ठीक है। होल नंबर जो इंटीजर्स हैं, जेड या आई, ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और डॉट, ये क्या होंगे आपके? ये आपके होंगे इंटीजर, ठीक है, जिसको हम जेड या आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद होल नंबर, होल नंबर में क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से, ठीक है, चलेगा। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होगा। हम बात करें इसके बाद रियल नंबर की, तो रियल नंबर क्या होंगे? देखो, रियल नंबर में क्या होता है, इंटीजर्स आपके नेगेटिव के होंगे और पॉजिटिव के होंगे। 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, -1, -2, -3, -2 इस तरीके से आपके ये रियल नंबर। लेकिन आप एक बात विशेष तौर से ध्यान रखें, रियल नंबर में, ठीक है, दोनों, अगर आपको ये कहा जाए कि आर पॉजिटिव, इसका मतलब है कि आप नेगेटिव नहीं लोगे उसको, ठीक है, इसका मतलब है कि आर पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव आगे की ओर, ठीक है, इधर की ओर। अगर हम बात करते हैं यहां पर क्यू, क्यों होता है रेशनल नंबर, क्या होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर उसको हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसमें क्या होगा कि हम, जैसे हमने लिख दिया 1/3, 2/3, कुछ भी इस तरीके से, 0, 1/2, 3/2, 5/3, इस तरीके से हमने कुछ भी ले लिया, ठीक है। इसमें क्या होगा पी, इसको रेशनल नंबर की सबसे पहली जो कंडीशन होती है पी और क्यू, इस तरीके, इस रूप में इसको लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू। इसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, और साथ में कंडीशन क्या होगी, जो पी और क्यू है वो बिलोंग करना चाहिए, किसमें करना चाहिए? आपके इंटीजर्स में करना चाहिए। जो पी और क्यू होंगे ना, वो इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स में आपने देखा था, इंटीजर्स में आपने देखा माइनस के भी हो सकते हैं और प्लस के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ बात कर रहा हूँ -1, -1 देखो आप इंटीजर्स में है या नहीं है, बिल्कुल है। अगर हम बात करें 3 की, तो 3 क्या है, इंटीजर्स में है कि नहीं? तो पी और क्यू जो है आपके किसमें आएंगे? आपके इंटीजर्स के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद सी की बात करते हैं, तो सी में क्या होगा, आपकी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो नंबर होती है, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होती है वो दो पार्टों से बनती है, ठीक है, ए प्लस आयोटा बी, जिसमें रियल पार्ट भी होता है और साथ में जो आप देखेंगे यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट, पार्ट, दोनों पार्टों से मिलकर के आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर बनती है, जिसमें रियल भाग भी होगा, वास्तविक भाग, और एक तरीके से आपका काल्पनिक भाग। तो ये सारा जो है ये आपके इस एक्सरसाइज में काम आने वाला है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्या इन कंडीशन को बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि आपको पहले से क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, तो आपको सीधे के सीधे इन पर जाना होगा कि कौन किस तरीके से हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। हम बात करते हैं, ठीक है, आगे जो हम लेते हैं एडिशन, ठीक है, एडिशन। अब देखो यहां पर एडिशन में मान के चलो हमने दो आपके इंटीजर्स मान लिए ए और बी, और ए और बी बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर में, ठीक है, किस में बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर में। तो
हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, ए स्टार बी, ए स्टार बी, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए स्टार बी ए प्लस बी बिलोंग्स टू एन। तो अगर इस तरीके की कंडीशन है तो आप कह सकते हैं स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लिख सकते हैं स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, हमने मान के चलो टू और थ्री ले लिया या वन और टू ले लिया। ठीक है, वन और टू ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। ठीक है, वन और टू आपको पता है ये किस में आते हैं, नेचुरल नंबर में आते हैं। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे क्योंकि आपको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होती है, नेचुरल नंबर आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, वन से स्टार्ट होती है। आप इतना ध्यान रखेंगे, वन से एन तक होती है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे वन स्टार, देखो वन स्टार टू, दिस इंप्लाइज दैट वन प्लस टू इजिकल टू कितना होगा, थ्री। क्या थ्री नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप देखो यहाँ से कि थ्री जो है वो नेचुरल नंबर में आने वाली कोई संख्या है या नहीं है, बिल्कुल है। तो आप कह सकते हैं स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर के अलावा होल नंबर पे देख लेते हैं। मान के चलो इसको ए नाम दे दो और बी, अगर ए और बी बिलोंग करते हैं होल नंबर में, ठीक है, डब्ल्यू में बिलोंग करते हैं, तो देखिए यहां पर ए स्टार बी, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी और बिलोंग्स टू, यहां पर क्या है, करेंगे बिल्कुल करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या लिख देंगे, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। मतलब क्या निकला, देखो यहां से अगर हमने यहां पर एग्जांपल ले लिया, एक वन स्टार वन और टू किसमें बिलोंग कर रहा है आपका, होल नंबर में कर रहा है, क्या इसकी शर्त को ये कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा। तो आप देखेंगे यहां से कि वन स्टार टू, दिस इंप्लाइज दैट वन प्लस टू, और आप जीरो से स्टार्ट होता है ना तो जीरो ले लीजिए आप। ठीक है, जीरो ले लीजिए, तो आपका कितना आ गया, यहां से देखेंगे तो टू, टू में जीरो को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। और टू किस में बिलोंग कर रहा है आप बता दीजिए मुझे, यानी कि किस में कर रहा है, वो होल नंबर में कर रहा है। तो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। तो थर्ड हम लेते हैं, जैसे थर्ड हम यहां से ले रहे हैं ए और बी। ठीक है, ए भी बिलोंग करता है यहां पे, मान के चलो हमने ले लिया। देखो तो यहां पे हम दोनों कंडीशन देखते आ रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर पे की हमने, होल नंबर पे की, आप इस तरीके से करते हुए जाए, हमने यहां से ले लिया, मान के चलो हमने यहां पर इसके बाद नेचुरल होल नंबर के बाद हमने यहां पर इंटीजर्स में ले लिया। ठीक है, ध्यान देना, इंटीजर्स में ले लिया। अब इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में आपकी नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है। तो आप यहां से देखें, अगर मैं माइनस का थ्री ले लूं, है ना, कोई भी ले लो, ए माइनस ले लो, ए प्लस ले लो, और यहां पर टू ले लेता हूं, ये दोनों जो है वो बिलोंग करते हैं किसमें, इंटीजर्स में। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, ए स्टार बी, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी, क्यों, कौन सी ऑपरेशन को काम ले रहे हो, पॉजिटिव को। ठीक है, पॉजिटिव ए प्लस बी, दिस इंप्लाइज दैट क्या है, जेड नॉट प्रॉब्लम, करेगा 100% ऐसा होगा, क्यों देखिए आप,
यहां पर मैं माइनस का मान के चलो एग्जांपल कोई लेता हूँ, -2, -3, -2, 3, ठीक है, या -3 और 2। एक कंडीशन ऐसी चाहिए जिससे इसकी जो शर्त है ना वो बिल्कुल यानी कि उस तरीके से बिगड़ जाए, हमें ऐसी कोई कंडीशन ढूंढनी है। -3 और 2 और ये बिलोंग कर रहा है हमारा जेड में, तो हम कैसे लिखेंगे, -3, -4, 2। ये -3 और 2 मैं ले कहाँ से रहा हूँ, ये जेड में से ले रहा हूँ, ठीक है। जेड जो सेट है उसमें आपके इंटीजर्स हैं और इन इंटीजर्स में से कोई भी दो डिजिट ले सकता हूँ, माइनस की ले सकता हूँ, प्लस की ले सकता हूँ, दोनों प्लस की ले सकता हूँ, दोनों माइनस की ले सकता हूँ, ठीक है। मुझे इसकी कंडीशन खराब करनी, ये होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे हम -3 + 2 = -1, और -1 जो होता है आपको पता है, ठीक है, सॉरी यहाँ गलत किया हमने, -3 + 2 किसमें आ गया, माइनस में, और -1 जो होता है ना आपका क्या होता है, इंटीजर्स होता है, ठीक है। -3 * 2 - 3 + 2 क्या हो गया, -1 हो गया, का मतलब है कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन। तो आपने देखा कि इंटीजर्स में भी क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया, ठीक है। जब भी दो संख्याओं का एडिशन किया जाएगा, ठीक है, दो नेचुरल नंबर को जोड़ा जाए नेचुरल नंबर आ रहा है, होल नंबर को जोड़ा जाए तो होल नंबर आ रहा है, यहाँ पर इंटीजर्स को दो इंटीजर्स को ऐड कर दें तो इंटीजर्स आ रहा है, मतलब एडिशन वाली हमारी यहाँ पर एडिशन वाली जो ऑपरेशन, एडिशन जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन, ठीक, कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन है। अगर हम बात करें नेगेटिव की, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, रेशनल नंबर पर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पर कर सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर पर कर सकते हैं, इस तरीके से आप देखेंगे तो इसमें ऑल केस आएगा आपका वो बाइनरी ऑपरेशन का आएगा, ठीक है। एडिशन में अगर आप देखोगे किसी को भी करके तो आपका, मैं आपको बता दूं सीधा सीधा, ठीक है, अगर आपका पॉजिटिव एडिशन यानी कि एडिशन जो है ऑपरेशन है, ऑल केस जो होगा इसमें, ऑल केस जो होगा वो बाइनरी ऑपरेशन का होगा, ठीक है, बहुत आप ध्यान रखना है इसको, आप करके देख लो, ठीक है। चलो मैं एक बता देता हूँ, रेशनल नंबर का बता देता हूँ, रेशनल नंबर दो संख्या आप ले लीजिए, 3y2 - 1y2, ठीक है, रेशनल नंबर में ले लीजिए, 3y2 ले लिया, -1y2 ले लिया, ये दोनों पॉजिटिव ले लो, दोनों नेगेटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और क्यू से अब यहाँ से 3y2 * -1y2, दिस इंप्लाइज दैट 3y2 - 1y2 एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y2, यानी कितना आ गया, 1, कितना आ गया, 1। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये बिलोंग किस में करेगा, रेशनल नंबर में। क्या p जो है वो इंटीजर है, बिल्कुल है, q जो है आपका नीचे कुछ भी नहीं, एक मान लिया आपने, ठीक है, तो 1/1, तो क्या होगा, क्या रीज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। रियल नंबर से ले सकते हैं, ठीक है, अगर मैं रियल नंबर का ले लूं, मान के चलो रियल नंबर में क्या होता है, पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, -3 और +2 ये ले लिया, और ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, ठीक है। अब सीधी सी बात है, रियल नंबर में क्या होगा, रियल नंबर में आप यहां से देखोगे तो आप यहां देखो -3 * 2, दिस इंप्लाइज दैट -3 + 2 और यहां से आ जाएगा -1, रियल नंबर में ये बिलोंग करेगा, ठीक है, क्या करेगा, रियल नंबर में ये आपका बिलोंग करेगा,
तो एडिशन की जो मैंने आपको बता रहा था कि यहाँ से एडिशन जो है हमारा, एडिशन के यहाँ से जो एडिशन जो ऑपरेशन है सारी की सारी मैंने आपको यहाँ से बताई, ठीक है। आप करके ले सकते हो, रेशनल नंबर पर कर सकते हो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर पर कर सकते हो, आप किसी पे भी होल नंबर पर कर सकते हो, नेचुरल नंबर पर कर सकते हो, रियल नंबर पर कर सकते हो। आप इस पे जब करके देखोगे तो आपको यहाँ पर डिस्चार्ज जो है वो बाइनरी ऑपरेशन में होगा, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई में भी क्या होगा, देखो यहाँ पर ऑपरेशन, इसमें क्या होगा, इसी तरीके से आप यहां करके देख सकते हो कि ए स्टार बी, यानी कि जो ए और बी है वो बिलोंग नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो किस तरीके से लिखेंगे, ए स्टार बी दिस इंप्लाइज दैट ए मल्टीप्लाई बी, और ये करेगा नेचुरल नंबर से करेगा, ठीक है। चेक कर सकते हो, कोई भी दो संख्या ले लो, नेचुरल नंबर में से उठा लो, ठीक है। थ्री और टू ले लिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, थ्री और टू ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं थ्री स्टार टू दिस इंप्लाइज दैट थ्री इंटू टू इक्वल टू कितना आ गया, सिक्स, और जो कि नेचुरल नंबर में ये सिक्स आता है। तो आप क्या कह सकते हैं, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, कर सकते हो। इसके बाद आप कह सकते हैं, जैसे आपने यहां पर नेचुरल नंबर का लिया है, होल नंबर का ले सकते हो आप। होल नंबर में देखो वन और टू, तो यहां से देखेंगे होल नंबर में कि वन स्टार टू दिस इंप्लाइज दैट वन इंटू टू, ठीक है, या हम जीरो ले लें, ठीक है, जीरो और टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और जीरो होल नंबर की बात कर रहे हैं तो होल नंबर, क्या जीरो होल नंबर में होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। इसी तरीके से आप आगे चेक करके देख सकते हो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट पे कर सकते हो, और साथ में सब्ट्रैक्ट के बाद आप डिवीजन में कर सकते हो, ठीक है। तो ये चार ऑपरेशन होते हैं, आप मैंने आपको प्लस में बताया और साथ में आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई में बताया कि ये दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें ऑल केस जो होगा वो स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा, ध्यान रखना इस चीज को कि पॉजिटिव और मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो ये दोनों भाई जैसे लग भी रहे हैं, क्योंकि तो यहाँ प्लस है तो थोड़ा सा इनको तिरछा कर दो तो इस तरीके से हो जाएंगे, है ना। मैथमेटिकल कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए इस तरीके से आप करके देखोगे ना तो यही कंडीशन निकलेंगी आपकी। तो पॉजिटिव और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन अगर इस तरीके से है ना, तो आपको लगेगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन में है ना। दोनों अलग अलग कौन से होंगे, एक आपका नेगेटिव होगा और एक आपका यहाँ पर देखेंगे हम डिवीजन। तो नेगेटिव और डिवीजन इन दोनों में अलग होगा, दोनों में किस तरीके से अलग होगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से लेकर के, ठीक है। तो इसी तरीके से आप आगे करके देख सकते हो, मैंने आपको पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन यहां से आपको दिखाया है करके, तो आप देख सकते हो, ठीक है। यहां पर देखिए नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑपरेशन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। तो इस पे हम कर रहे हैं नेगेटिव बाइनरी ऑपरेशन से क्या होगा, देखो हम कोई दो डिजिट लेनी है आपको, ए और बी, जो कि कर रहा है नेचुरल नंबर में बिलोंग। और ए और बी आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होती है, कि वन से स्टार्ट होती है, ठीक है, एन तक जाती है। तो आपने दो संख्या ली वन और टू, ठीक है, तो ए स्टार बी, पहले तो इसको लिखना है ए स्टार बी दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस बी डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ये होगा। मैंने इस तरीके से लिखा, क्यों होगा, इसका रीजन क्या है, एग्जाम्पल लेकर के देखो,
अगर मैंने यहाँ पर वन नेचुरल नंबर लिए, वन स्टार टू, तो आप देखेंगे वन वन और टू मैंने यहाँ पर नेचुरल नंबर लिए हैं, तो आप देखेंगे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो वन स्टार टू, दिस इम्प्लाइज दैट वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन। और जो माइनस वन होता है, आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? वन से स्टार्ट होती है, लेकिन आपका आंसर क्या है? माइनस वन, जो कि डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर होगा। तो आप कह सकते हैं स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब एक माइंड में एक चीज आ रही होगी कि अगर हम ऐसा कर लें कि पहली संख्या को बड़ी कर लें और दूसरी संख्या को छोटा कर लें, ठीक है, ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, आप, मैंने बताया एक कंडीशन होती है क्वेश्चन को रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, और वही शर्त तो हमें निकालनी है इसमें, कि अगर मैं यहाँ पर थ्री ले लेता हूँ, ध्यान देना इससे, और यहाँ पर मैं टू ले लेता हूँ, तो करेगी, तो नेचुरल नंबर में ये करेगी। ठीक है, मुझे एक कंडीशन चाहिए क्वेश्चन को रॉन्ग बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए नॉट बाइनरी ऑपरेशन, अगर मैंने थ्री और टू ले लिया, थ्री कॉमा टू बिलोंग टू नेचुरल नंबर, थ्री स्टार टू इज इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट थ्री माइनस टू, और यहाँ पर आ जाएगा वन, और ये नेचुरल नंबर में हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है, एक कंडीशन चाहिए हमें, क्योंकि अगर हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो एक सारी के सारी अगर यहाँ पर उनकी जो कंडीशन है वेरीफाई होनी चाहिए, एक भी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तो एक रह गई ना, इस पे तो हो रहा है, लेकिन इस पे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब है स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रियल नंबर पे, क्या रियल नंबर पे हो सकता है कि नहीं हो सकता? इससे पहले तो काफी सारे आपके रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और रेशनल नंबर है, तो इन पर आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स की बात करके देखते हैं। ए बिलोंग्स टू जेड या आई, क्या ऐसे लिखेंगे? स्टार बी, और यहाँ पर जो है दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, करेगा या नहीं करेगा? तो हम यहाँ से कुछ नहीं बता सकते करेगा या नहीं करेगा, लेकिन एक एग्जांपल जरूर ले सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी मैंने दो इंटीजर्स ले लिया, माइनस का थ्री ले लिया और एक प्लस का टू ले लिया, कुछ भी ले लीजिए आप, दोनों प्लस की ले लो, दोनों माइनस की ले लो, या एक माइनस की एक प्लस की ले लो, कुछ भी लो आप। ठीक है, सारी की सारी कंडीशन जो है वेरीफाई होनी चाहिए, अगर एक भी कंडीशन वेरीफाई नहीं होती, इसका मतलब है कि वो ऑपरेशन नहीं होगा, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। माइनस थ्री टू बिलोंग टू जेड, तो माइनस थ्री स्टार, माइनस थ्री स्टार टू बिलोंग टू, दिस इंप्लाइज दैट माइनस थ्री, और किसकी बात कर रहे हैं हम? माइनस की बात कर रहे हैं, तो माइनस टू। ठीक है, माइनस थ्री माइनस टू, तो कितना हो गया? माइनस का फाइव। क्या ये आपका इंटीजर्स होता है या नहीं होता? इंटीजर्स होता है, माइनस के भी होते हैं, प्लस के भी होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर ये आपके इंटीजर जो इंटीजर्स हैं, इससे आपका बिलोंग करेगा, तो आप लिख सकते हैं स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। अभी क्या देखा था आपने? मल्टीप्लीकेशन, या नेचुरल नंबर के लिए देखा और साथ में होल नंबर के लिए देखा, तो दोनों के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, ऑल केस में होगा। आप इतना ध्यान रखें कि एक आपका नेचुरल नंबर स्टार्ट होती है वन से, इसलिए नहीं होता, और होल नंबर जीरो से होती है, नेगेटिव भी आ सकता है, इसलिए वहां पर आपका होल नंबर तो नहीं होता। तो कुल मिलाकर के मैंने जो आज के इस वीडियो में आपको समझाया है, वो क्या समझाया है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक बार फिर से 2 मिनट के लिए रिपीट कर देता हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एडिशन का है, सब्ट्रैक्ट का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? ऑपरेशन होते हैं। बाइनरी क्यों बोला गया है? क्योंकि हम जब भी किसी का एडिशन करते हैं ना, तो दो संख्याओं का सिलेक्शन करते हैं, और दो संख्याओं को हमने आधार माना है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी, द्विआधारी संख्या है। ठीक है, अब द्विआधारी संख्या कब कब हो सकती है, कब कब उनमें लग सकता है, कब कब नहीं हो सकता, तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव पे मैंने बताया नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इन सभी पे चेक करके आप देख सकते हैं, सारे के सारे जितने भी ऑपरेशन होंगे
पॉजिटिव का जो ऑपरेशन होगा वो सभी पे लागू होगा, लेकिन नेगेटिव में आप देख रहे हो दो को छोड़ करके, नेचुरल को छोड़ करके, होल नंबर को छोड़ करके बाकी सभी पे लागू होगा। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में ऑल केस पॉजिटिव जैसा होगा, ठीक है, नेचुरल का हो या होल नंबर का हो, रेशनल का हो, रियल का हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपका होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपन उससे आगे की वीडियो में अपन क्वेश्चन करेंगे और वहां से अपने जो भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बने रहिए, धन्यवाद।